काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज याद नहीं है, या नमाज तो याद है लेकिन ये नहीं पता कि नमाज में कहां पर क्या पढ़ा जाता है। तो आपके ये दोनों कन्फ्यूजन्स आज के इस वीडियो से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नमाज में कब कहां पर क्या पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमाज में सबसे पहले नियत बांधते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, और उसके बाद नियत बांध ली जाती है। नियत बांधने के बाद सना पढ़ी जाती है। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरे फातिहा पढ़ी जाती है, और सूरे फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी होती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, और रुकू में आपको तीन बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में आपको ये तस्बीह तीन बार पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठेंगे, और उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, उसमें भी यही तस्बीह तीन बार पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, फिर सूरे फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। जो सूरत आपने पहली रकात में पढ़ी है उसके अलावा आपको कोई दूसरी सूरत पढ़नी है दूसरी रकात में। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, और फिर वहीं पर वही तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अजीम तीन बार। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, और फिर पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द, और इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में ये तस्बीह तीन बार पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे और बैठ जाएंगे, और फिर दूसरा सजदा करेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। दूसरे सजदे में भी यही तस्बीह तीन बार पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। इसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। अगर आप सिर्फ दो रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अत्तहियात के बाद इन दुआओं को पढ़ेंगे, और अगर आप चार रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो चौथी रकात में अत्तहियात के बाद इन दुआओं को पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद सबसे पहले पढ़ेंगे दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मगफिरत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फिर ली मगफिरतन मिन इंदिका व रहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। इसके बाद पढ़ेंगे
रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। और इसके बाद सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले दाईं तरफ और उसके बाद बाईं तरफ ये कहते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आपकी नमाज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा इशा की नमाज में वितर होते हैं, तो वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। दुआए कुनूत ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नश्कुरुका व ला नगफुरुका व नखलौ व नतरुकु मन यफजुरुक اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق। तो नमाज पढ़ने के लिए आपको ये चीजें याद करना जरूरी है। सबसे पहले आप सूरे फातिहा याद कर लीजिए, जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसके अलावा आप कम से कम 4 सूरतें याद कर लीजिए। आप अलम तरह से लेकर लास्ट की 10 सूरतें याद कर सकते हैं, क्योंकि हर रकात में आपको एक अलग सूरत पढ़नी होती है। इसके बाद तकबीर याद कर लीजिए, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, और तस्बीह याद कर लीजिए, सुबहान रब्बियल अजीम, जो रुकू में पढ़ी जाती है, और सुबहान रब्बियल आला, जो सजदे में पढ़ी जाती है। इसके बाद आपको 4 चीजें और याद करनी है। एक तो है अत्तहियात, जिसको तशहुद बोलते हैं, अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी चीज आपको याद करनी है दुरूद शरीफ, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। दरूद शरीफ के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ है दुआए मगफिरत, ये आपको याद करनी है, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرتم من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। और लास्ट में पढ़ी जाती है रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। अगर आपने ये चीजें याद कर ली तो आप नमाज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पूरी नमाज को याद कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कैसे नियत बांधी जाती है, कैसे सजदा किया जाता है, कैसे रुकू किया जाता है। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा।